दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का स्वराज्य क्रिएशंस इस YouTube चैनल पे। और आज हम देखने वाले आई एकवीरा देवी का मंदिर, वो भी माइनक्राफ्ट में। और हाँ, पिछली वीडियो को काफी दमदार सपोर्ट रहा काशी विश्वनाथ इन माइनक्राफ्ट, इस वीडियो को वैसा ही दमदार सपोर्ट इस वीडियो को भी मिलेगा ऐसे मेरे को अपेक्षा है। तो गाइस चलते हैं हम इस वीडियो की तरफ और आगे बढ़ते हैं। तो गाइस ये देखिए, काफी कस्टम माउंटेन्स का यूज करते करते मैंने ये बना दिया। और हाँ, ये कस्टम माउंटेन मैंने अपने हाथों से बनाया है, क्योंकि अब तक तो मैं जब मोबाइल पे खेलता था तो जो माउंटेन मिला उसी पे मैं वीडियो बना देता था। लेकिन इस बार मेरे को क्या करना पड़ता है कि इसी है ना, तो मैं खुद का माउंटेन भी बना सकता हूँ। तो इस माउंटेन को बनाने के लिए एक दिन लगा, टेम्पल बनाने के लिए 3-4 दिन लग गए, वीडियो को शूट करते करते 5-6 दिन गए, ऐसा करके मेरा बहुत टाइम चला गया। क्योंकि मैंने पीसी ला ली है, आपको पता नहीं होगा तो मैंने पीसी ले लिया, अपना पीसी आ चुका है। पीसी पे मैंने वीडियो वगैरह तो नहीं डाली है, इंस्टाग्राम पे कुछ मेरी पोस्ट थी तो जो इंस्टाग्राम पे उनको तो पता होगा। तो पीसी आ चुका है गाइस, पीसी की वीडियो डालने वाला था लेकिन मैंने डाली नहीं है। तो मैंने सोचा पहले इस काम की वीडियो डाल देते हैं। तो मैं ये वीडियो बनाने के लिए बैठ गया था और प्रॉब्लम क्या हुआ कि मेरे को माइनक्राफ्ट पूरा मतलब जीरो लेवल से सीखना पड़ा। पीसी के कंट्रोल्स वगैरह माइनक्राफ्ट के वो सीखना पड़ा, काफी मतलब दिक्कत वगैरह तो आई है मेरे को। माइनक्राफ्ट डाउनलोड करो, ये करो, वो करो, झंझट करो, ओबीएस डाउनलोड करो, ये करो, वो करो, इतना बहुत बहुत झंझट के साथ ये वीडियो आ रही है। फाइनली वीडियो आ चुकी है, तो गाइस सपोर्ट करो, जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिन्होंने नहीं किया होगा वो कमेंट्स कीजिए मेरे को और लाइक कीजिए इस वीडियो को, कमेंट जरूर कीजिएगा लाइक नहीं किया। सॉन्ग भी काफी मस्त है। तो चलते हैं हम आगे की तरफ, अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए यहाँ पर कुछ घोड़े वगैरह तो बंधे हुए हैं, बंधे नहीं भोपड़े है रे, वो छूटे वो पवन, ऐसा क्या कर रहे तू। चलो आगे, मैप मत मांगा करो यार प्लीज। हाँ, मैप में दे सकता हूँ, कुछ कुछ मैप में दे भी दूंगा। अगर आप डिस्कॉर्ड पे आओ आओ तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो तो जाइए, किस बात की है देरी। डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक, जाइए ज्वाइन कीजिए अपना डिस्कॉर्ड सर्वर। वहाँ पे मैं मतलब अपने कुछ पोस्ट वगैरह आते रहते हैं। और इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कीजिए, इंस्टाग्राम भी लिंक, फेसबुक की भी लिंक, टेलीग्राम की भी लिंक, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे रायगढ़ ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो मुझे भी सोशल मीडिया से मेरे साथ भी ज्वाइन हो सकता है। और आप इसी की जो बिल्ड की वीडियो है तो वो मैंने रोक के रखी थोड़ी देर, सेटअप की वीडियो भी, क्योंकि सेटअप में एक बात मिसिंग है जो बहुत ही बड़ी मैटर करती है। बता ही देता हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज की एक मूर्ति, जो मेरा सपना था कि जब भी मैं सेटअप लगाऊंगा तो वहाँ पर एक छोटी छोटी ही सही मूर्ति में जरूर बिठाऊंगा, छोटी नहीं, मैंने बड़ी ऑर्डर कर दी है, अभी मूर्ति आने में टाइम है। तो जब वो मूर्ति आ जाएगी तो तब ये सेटअप टूल की वीडियो भी आ ही जाएगी। तो अगर आपको भी मूर्ति देखनी हो तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, अमेजोन पे है वो मूर्ति, आप देख सकते हैं। और मेरे को मतलब कमेंट्स करो कि वो मैं लूँ या नहीं लूँ, ऑर्डर तो मैंने कर दी है। अगर उससे अच्छी अगर आपके पास हो, अगर सजेशन हो तो ज़रूर मेरे को बता दीजिए, वो भी मैं सोचूंगा ज़रूर। ये देखिए काफ़ी मस्त दुकान वगैरह यहाँ पर मैंने बना के रखी है। मेरे को काफ़ी दिक्कत वगैरह आई है क्योंकि बेडरॉक से सीधा जंप करना जावा एडिशन में, आपको पता होगा जी जो जो खेलते हैं उनको। तो चलते गाइस, ये यहाँ से शुरू हो जाती है पायरिया, इथून शुरू हो जाते पायरा आई एकवीरा देवीच्या मंदिरात जाण्याकरिता। तो चलते आगे, ये देखिए काफी मस्त व्यू आया है, वो देखिए वो वहां पर हाईवे, एक मिनट, ये देखिए हाईवे। सॉन्ग भी काफी मस्त है, डांस करने का मूड हो रहा है, डीजे पे होता तो मैं सच में डांस कर लेता, डांस तो बनता है ना फिर, क्योंकि डीजे हो या म्यूजिक हो, सॉन्ग म्यूजिक है तो डांस तो बनता है। चलते हैं वीडियो की तरफ, ध्यान देते हैं थोड़ा। ये देखिए आ चुके हैं हम मंदिर की तरफ, मस्त है कि काफी रियलिस्टिक बनाने का मैंने ट्राई किया माइनक्राफ्ट में, ऐसे ही मंदिर 2-3-4-5 ही थे शायद से,
ये मैंने बनाने का ट्राई किया और वो भी इतने रियलिस्टिक नहीं थी जितना मेरे को लगता था, और ये है रियलिस्टिक मंदिर जितना मैं मुझसे हो सकता है उतना। पीसी में तो मतलब मोबाइल में तो और ज़्यादा मैं रियलिस्टिक बनाने का ट्राई करता, लेकिन ये पीसी में मेरे को अभी तो नया नया लिया है, कुछ भी पता नहीं है। नेक्स्ट वीडियो की क्वालिटी इससे दमदार होगी, नेक्स्ट वीडियो इससे भी दमदार होगी। ये देखिए कार्ले केव्स काफ़ी मस्त है, कार्ले गांव का नाम है, गांव में ये मंदिर स्थित है। ये देखिए केव्स बनाने में मेरे को काफ़ी दिक्कत वगैरह भी आई है। एक मिनट यहाँ पर एक प्रदर्शन मान लेते हैं, देखिए गाइस काफ़ी मस्त डिटेलिंग वगैरह देने का ट्राई किया है मैंने। अगर मैं आपको लगे कि मैं एलोरा अर्जेंटा का केव्स भी बना सकता हूँ तो कमेंट्स करो। इस ये स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, तो आपको वो भी लग रहा होगा, मेरे को भी लग रहा था मैं बना सकता हूँ कुछ, मतलब ज़्यादा मुश्किल है, माउंटेन भी मैं कस्टम बना सकता हूँ, ये केव्स बना सकता हूँ, तो वह बना ही दूंगा नेक्स्ट वीडियो। अगर आपके लिए चाहिए तो चाहिए, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, वहाँ पर कमेंट्स कीजिए। पीछे देख रहे हो दिख रहा है छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक की तस्वीर, छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती, शिव जयंती भी आ रही है, तो उसके लिए जो स्पेशल प्रोजेक्ट है वो भी मेरा तो फिक्स ही है, मतलब सोच के रखा है मैंने। अगर आप सभी को अगर कुछ चाहिए, आप लोग कुछ डिमांड है, तो ज़रूर मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आप मैं क्या क्या बनाऊँ शिव जयंती को, तो मैं ज़रूर बनाने का ट्राई करूँगा। मंदिर की तरफ मंदिर की टूट गया बटन, मतलब क्लिक कर दिया मैंने, मेरे को खोलना था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चलते आगे। शिव जयंती का क्या प्लान है मैं बता देता हूँ, एक मिनट। शिव जयंती का क्या विषय मैं मालूम है कि आपको, शिव जयंती को मैं ना किले वगैरह बनाने वाला हूँ, किले के शिवाजी महाराज जी के जो किले थे, जो महाराष्ट्र के किले, और अगर हुआ तो ऑल इंडिया के किले, जो शिवाजी महाराज जी का जहाँ पर कनेक्शन आया वो किले हम बनने का ट्राई करेंगे, पूरी की पूरी सीरीज बनाएंगे और काफ़ी रियलिस्टिक बनाएंगे। मतलब कुछ इम्प्रूव कर रहा हूँ अपने कंस्ट्रक्शन को, तो वो भी आप सभी को देखने को मिलेगा, बढ़िया होगी, क्योंकि पिछले साल तो हमने सुचरित्र माइनक्राफ्ट किया था, इस बार पूरे किले बनाने का ट्राई करेंगे। अगर आप लोगों के पास अगर कोई दूसरा आइडिया हो तो वो भी मेरे को बता देना, मैं काफ़ी अपने दिल से अपने इस अंदर के हार्ट से बनाने वाला हूँ शिव जयंती का प्रोजेक्ट। इस बार काफ़ी खतरनाक होने वाला है ये शिव जयंती का प्रोजेक्ट। ये साउंड भी काफ़ी मस्त है डीजे वाला, और जो जो हाँ मैं जब जब मंदिर वगैरह जो मंदिर पर आता हूँ उसके सॉन्ग सुनता रहता हूँ, तो ये सॉन्ग मैंने तब सुना था, काफ़ी खतरनाक वाला है, काफ़ी मेरे को तो बहुत ही पसंद है यार। बारिश कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चलता अंदर ये देखिए एक देवी का मंदिर, एक देवी का दर्शन कर लेते हैं हम यहाँ पर, जितना रियलिस्टिक हो सके उतनी मैंने मूर्ति बनाने का ट्राई किया, कस्टम बिल्डिंग इस बार तो नहीं लगाई है, तो सुनते हैं बाहर। चलते गाइस बाहर, ये देखिए बाहर तो ये हो रहा है। और हाँ एक इंसिडेंट बता देता हूँ मैं आपसे, देखो मैं इसीलिए मैंने माइनक्राफ्ट वगैरह इंस्टॉल कर दिया, GTA San Andreas इंस्टॉल किया, तो मैं GTA San Andreas खेल रहा था, तो मेरे पापा उसी वक्त आ गए और मेरे को बोले तू ये क्या कर रहा है, मैंने कहा GTA San Andreas खेल रहा हूँ, मतलब ये क्या है बताओ मेरे को, तो मैंने मेरे पापा को बिठाया कंप्यूटर के आगे, मैंने उनको कीबोर्ड के कुछ कंट्रोल्स वगैरह बता दिए। लिटरली मेरे पापा ने पहली बार कोई पीसी गेम खेला GTA San Andreas, और गाड़ी वगैरह में बैठे इधर से उधर गाड़ी बूम बूम करके उड़ा दी, और गाड़ी खतरनाक जलाई दी और ब्लास्ट कर दिया, और मिशन भी फेल सब फेल, पापा काफ़ी अच्छा मस्त गेम प्लेयर। किसी रिजल्ट के लिए एक लाइक तो बनता है, कुछ कमेंट्स बनती है, चाहिए वीडियो को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए स्वराज क्रिएशंस को। ये देखिए गाइस जितना मुझसे हो सकता है उतना मैंने रियलिस्टिक बनाने का ट्राई किया है एकवीरा देवी का मंदिर। अगर आप लोगों को कोई और प्रोजेक्ट चाहिए तो मेरे को कमेंट्स कर दीजिए, केदारनाथ मंदिर भी आएगा, केदारनाथ का प्रोजेक्ट भी काफ़ी बड़ा होने वाला है, वो भी आएगा, इसी के साथ मैं कोलैब करने वाला हूँ उस वीडियो में, तो वो भी आप सभी को बाद में पता चल ही जाएगा। इस वीडियो में करने वाला था मेरे दो मंदिर आने वाले थे गांधी जी के, हम तीन मंदिर तो हो ही जाते, मेरे दो दोस्त आने वाले थे, लेकिन वो बंदर
के अंदर ही रहेंगे ना, वो आए नहीं टाइम पे, मेरे को अकेले को करना पड़े, इसलिए तो मैं पिछली वीडियो तो अकेले ही करता था, क्योंकि मेरे को बोले नहीं मैं कॉमेंट्री करता हूँ, चल मेरे को बहुत मतलब उड़िया मारने का, और मराठी में कॉमेंट्री करेंगे बोले इस बार, मराठी वीडियो जरा तो मराठी में बोलेंगे वाले, और मैंने तो कुछ बोला नहीं, वो होते तो काफ़ी मस्त थे, कॉमेंट्री होती थी, कॉमेडी वाली कॉमेंट्री होती थी, नेक्स्ट डे में उनको बुलाऊंगा मैं। तो वो है कि शिवजन जी का प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा होने वाला है, शिवजन जी का क्या प्रोजेक्ट करूँ मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बता देना, नेक्स्ट वीडियो की इंतज़ार में रहना, सब्सक्राइब कर देना स्वराज्य क्रिएशंस को, कमेंट्स में मेरे को बताना आपको क्या कौन सा प्रोजेक्ट चाहिए, कौन सा टेंपल चाहिए, कौन सा मंदिर चाहिए, कौन सा क्रिएशन चाहिए।